हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम LLB फर्स्ट ईयर पेपर 1.5 एनवायरमेंटल लॉ यानी पर्यावरण विधि विषय पर चर्चा करेंगे। एनवायरमेंटल लॉ अर्थात पर्यावरण विधि विषय के अंतर्गत हमारे द्वारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का विस्तृत अध्ययन किया जा चुका है और पूर्व के व्याख्यानों में हमारे द्वारा द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 प्रारंभ किया जा चुका है। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत कुल 8 अध्याय और 64 धाराएं हैं, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 तक तथा धारा 1 से लेकर धारा 50 तक अध्ययन पूर्व के व्याख्यानों में किया जा चुका है। आज हम जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतिम अध्याय अर्थात अध्याय 8, जिसका शीर्षक है प्रकीर्ण या मिसलेनियस, का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों पर चर्चा की जानी है। ये प्रावधान इस अध्याय की धारा 51 से लेकर धारा 64 के अंतर्गत बताए गए हैं। इस अध्याय को हमारे द्वारा अध्ययन और सुविधा की दृष्टि से दो भागों में विभाजित कर अध्ययन किया जाना है। पहला भाग एक धारा 51 से लेकर धारा 57 तक, भाग दो धारा 58 से लेकर धारा 64 तक। अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं भाग एक धारा 51 से लेकर धारा 57। सबसे पहले है धारा 51 या सेक्शन 51, केंद्रीय जल प्रयोगशाला, सेंट्रल वाटर लेबोरेटरी। उपधारा एक के अनुसार केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा एक केंद्रीय जल प्रयोगशाला स्थापित कर सकेगी या इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय जल प्रयोगशाला को सौंपे गए कृत्य करने के लिए किसी प्रयोगशाला या संस्थान को केंद्रीय जल प्रयोगशाला के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी। उपधारा दो के अनुसार केंद्रीय सरकार केंद्रीय बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात निम्नलिखित को विहित करने के लिए नियम बना सकेगी। क, केंद्रीय जल प्रयोगशाला के कृत्य। ख, जल या मल या व्यावसायिक बहिस्त्राव के नमूने विश्लेषक या परीक्षण के लिए उक्त प्रयोगशाला को भेजने के लिए प्रक्रिया पर उस प्रयोगशाला की रिपोर्ट का प्रारूप और ऐसी रिपोर्ट की बाबत संदेह, फीस, गए ऐसे अन्य विषय जो उस प्रयोगशाला को अपने कृत्य करने के लिए समर्थ बनाने की दृष्टि से आवश्यक या समीचीन हो। अर्थात धारा 51 के अंतर्गत उपधारा एक के अधीन केंद्रीय सरकार को ये शक्ति प्राप्त है कि वह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा एक केंद्रीय प्रयोगशाला स्थापित करे या किसी प्रयोगशाला या संस्थान को केंद्रीय जल प्रयोगशाला के रूप में
विनिर्दिष्ट करे ताकि उसे इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय जल प्रयोगशाला के कर्ते या कार्य सौंपे जा सके और धारा 51(2) के अंतर्गत यह बताया गया है और केंद्र सरकार को इस बात के लिए अधिकृत किया गया है कि वह केंद्रीय बोर्ड से परामर्श करके केंद्रीय जल प्रयोगशाला के संबंध में नियम बना सकेगी। ये नियम प्रयोगशाला के द्वारा पालन किए जाने वाले कर्तव्यों का निर्धारण या जल मल या व्यावसायिक बहिस्त्राव के नमूने का विश्लेषण या परीक्षण करने के लिए प्रयोगशाला में उसे भेजने की प्रक्रिया, रिपोर्ट का प्रारूप और ऐसी रिपोर्ट के संबंध में देय फीस या अन्य विषय जो आवश्यक हो के संबंध में नियम बना सकने की अधिकारिता प्रदान करते हैं। अब है धारा 52 सेक्शन 52 राज्य जल प्रयोगशाला स्टेट वाटर लेबोरेटरी। जिस प्रकार धारा 51 के अंतर्गत केंद्रीय जल प्रयोगशाला से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं, उसी प्रकार धारा 52 के अंतर्गत राज्य जल प्रयोगशाला के संबंधित प्रावधान बताए गए हैं, जिसके अंतर्गत उपधारा 1 के अनुसार राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा कह एक राज्य जल प्रयोगशाला स्थापित कर सकेगी या ख इस अधिनियम के अधीन राज्य जल प्रयोगशाला को सौंपे गए कार्य करने के लिए किसी प्रयोगशाला या संस्थान को राज्य जल प्रयोगशाला के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी। उपधारा 2 के अनुसार राज्य सरकार राज्य बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात निम्नलिखित को विहित करने के लिए नियम बना सकेगी। क राज्य जल प्रयोगशाला के कृत्य, ख जल मल या व्यावसायिक बहिस्त्राव के नमूने विश्लेषण या परीक्षण के लिए उक्त प्रयोगशाला को भेजने के लिए प्रक्रिया, उस पर प्रयोगशाला की रिपोर्ट का प्रारूप और ऐसी रिपोर्ट की बाबत संदेह फीस, ग ऐसे अन्य विषय जो उस प्रयोगशाला को अपने कृत्य करने के लिए समर्थ बनाने की दृष्टि से आवश्यक या समीचीन हो, अर्थात धारा 52 के अंतर्गत धारा 52 की उपधारा 1 के अधीन राज्य सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि वह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा एक राज्य जल प्रयोगशाला स्थापित करे और किसी प्रयोगशाला या संस्थान को राज्य जल प्रयोगशाला के रूप में विनिर्दिष्ट करे ताकि उसे इस अधिनियम के अधीन राज्य जल प्रयोगशाला के कर्ते सौंपे जा सके और धारा 52 की उपधारा 2 के अनुसार राज्य सरकार को इस बात के लिए भी अधिकृत किया गया है कि वह राज्य बोर्ड से परामर्श करके राज्य जल प्रयोगशाला के संबंध में नियम बना सके। ये नियम प्रयोगशाला के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के निर्धारण या जल मल या व्यावसायिक बहिस्त्राव के नमूने का विश्लेषण या परीक्षण करने के लिए प्रयोगशाला में उसे भेजने की प्रक्रिया, रिपोर्ट का प्रारूप और ऐसी रिपोर्ट के संबंध में देय फीस और अन्य विषय जो कि आवश्यक हो। इस प्रकार धारा 51 जिस प्रकार केंद्रीय जल प्रयोगशाला के बारे में प्रावधान बनाती है, ठीक उसी प्रकार धारा 52 राज्य जल प्रयोगशाला के संबंध में प्रावधान बताती है। अब है धारा 53 सेक्शन 53 विश्लेषक। उपधारा 1 के अनुसार केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें वह ठीक समझे और जो विहित ऐड़ताएं रखते हैं धारा 51 की उपधारा
एक के अधीन स्थापित या विनिर्दिष्ट किसी प्रयोगशाला के विश्लेषण के लिए भेजे गए जल या मल या व्यावसायिक बहिस्त्राव के नमूनों के विश्लेषण के प्रयोजन के लिए सरकारी विश्लेषक नियुक्त कर सकेगी। उपधारा दो के अनुसार राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें वह ठीक समझे और जो विहित अहर्ताएं रखते हैं धारा 52 की उपधारा एक के अधीन स्थापित या विनिर्दिष्ट प्रयोगशालाओं को विश्लेषण के प्रयोजन के लिए सरकारी विश्लेषक नियुक्त कर सकेगी। उपधारा तीन के अनुसार धारा 12 की उपधारा तीन के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यथास्थिति केंद्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा और यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अनुमोदन से ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें वह ठीक समझे और जो विहित अहर्ताएं रखते हैं यथास्थिति धारा 16 या 17 के अधीन स्थापित या मान्यता प्राप्त किसी प्रयोगशाला को विश्लेषण के लिए भेजे गए जल या मल या व्यावसायिक बहिस्त्रावों के नमूने के विश्लेषण के प्रयोजन के लिए बोर्ड विश्लेषक नियुक्त कर सकेगा। अब है धारा 54 सेक्शन 54 विश्लेषकों की रिपोर्ट। इसके अनुसार कोई दस्तावेज जिसका यथास्थिति सरकारी विश्लेषक या बोर्ड विश्लेषक द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट होना तात्पर्यित है इस अधिनियम के अधीन किसी कार्रवाई में उसमें कथित तथ्यों के साक्ष्य के रूप में उपयोग की जा सकती है। अर्थात इस धारा के अनुसार विश्लेषकों की रिपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज होता है जो सरकारी विश्लेषक या बोर्ड विश्लेषक के द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट है तथा जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी कार्रवाई में साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने के आशय से उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार किसी व्यक्ति को प्रदूषण के लिए दोषी तक ठहराया जा सकता है जब विश्लेषकों की रिपोर्ट के इस आधार पर उसका अपराध सिद्ध हो जाता है। अतः इस रिपोर्ट का विधिक कार्रवाई की दृष्टि से विशेष महत्व है। अब है धारा 55 सेक्शन 55 स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा सहायता किया जाना। इस धारा के अनुसार सभी स्थानीय प्राधिकारी बोर्ड को ऐसी मदद या ऐसी जानकारी देंगे जिसकी वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अपेक्षा करें और बोर्ड को निरीक्षण तथा परीक्षा के लिए ऐसे अभिलेख मानचित्र योजनाएं और अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे जो उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो। अर्थात इस धारा में राज्य सरकार के समस्त स्थानीय प्राधिकारियों का यह विधिक कर्तव्य बताया गया है या उन पर यह विधिक कर्तव्य डाला गया है कि वे केंद्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड को ऐसी मदद व सहायता दे जिनकी की वे अपेक्षा करते हैं। इसके लिए यदि मांग की जाती है तो बोर्ड के निरीक्षण व परीक्षा हेतु अभिलेख मानचित्र योजनाएं और अन्य दस्तावेज भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। अब है धारा 56 सेक्शन 56 राज्य बोर्ड के लिए भूमि का अनिवार्य अर्जन। धारा 56 के अनुसार इस अधिनियम के अधीन
अपने कर्तव्यों के दक्ष पालन के लिए राज्य बोर्ड द्वारा अपेक्षित भूमि लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी जाएगी और ऐसी भूमि राज्य बोर्ड के लिए भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के उपबंधों के अधीन या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य तत्स्थानीय विधि के अधीन अर्जित की जाएगी। अब है धारा 57 सेक्शन 57 विवरणियां और रिपोर्ट्स रिटर्न्स एंड रिपोर्ट्स। इस धारा के अनुसार केंद्रीय बोर्ड केंद्रीय सरकार को और राज्य बोर्ड राज्य सरकार को और केंद्रीय बोर्ड को अपनी निधि या क्रियाकलापों की बाबत ऐसी रिपोर्ट विवरणियां सांख्यिकी लेखाएं और अन्य जानकारी देगा जिनकी यथास्थिति वह सरकार या केंद्रीय बोर्ड समय समय पर अपेक्षा करें। अर्थात इस धारा के अनुसार रिपोर्ट देने संबंधी प्रावधानों के बारे में बताया गया है जिसके अंतर्गत यदि केंद्रीय सरकार अपेक्षा करे तो केंद्रीय बोर्ड का यह विधि कर्तव्य है कि वह अपनी निधि व कार्यकलापों के बारे में रिपोर्ट दें और यदि राज्य सरकार या केंद्रीय बोर्ड अपेक्षा करे तो राज्य बोर्ड का यह विधि कर्तव्य है कि वह अपने निधि व कार्यकलापों के बारे में रिपोर्ट दें। इस प्रकार आज हमारे द्वारा अध्याय 8 जिसका शीर्षक है प्रकीर्ण या मिसलेनियस जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा धारा 51 से लेकर धारा 64 तक अध्ययन किया जाना है और हम इस अध्याय को दो भागों में विभाजित कर भाग 1 सेक्शन 51 से लेकर सेक्शन 51 से लेकर 57 तक तथा भाग 2 धारा 58 से लेकर धारा 64 तक के अंतर्गत भाग 1 धारा 51 से लेकर धारा 57 तक पर आज हमने विस्तृत चर्चा की। आने वाले व्याख्यान में हमारे द्वारा भाग 2 धारा 58 से लेकर धारा 64 पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।